उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सऊदी अरब के प्लेन से उतारा गया था, ये खुलासा किया है खुद पाकिस्तान की एक मैगजीन ने। दरअसल पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस पहुंचने के दौरान इमरान को सऊदी के प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान ने अपना विमान दिया था, लेकिन जब प्रिंस ने इमरान की हेट स्पीच सुनी तो वो बेहद नाराज हो गए और अपना प्लेन वापस मंगा लिया। नापाक इमरान की इंटरनेशनल बेइज्जती, सऊदी प्रिंस ने वापस बुला लिया था अपना विमान। इसी प्लेन से यूनाइटेड नेशन पहुंचे थे इमरान, पाकिस्तान की मैगजीन ने किया खुलासा। यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच पर खुद की पीठ थपथपाने वाले इमरान खान की बेइज्जती का ये वो चैप्टर है जो खुला ही नहीं होता अगर पाकिस्तान की मैगजीन फ्राइडे टाइम्स ने इसका खुलासा न किया होता। दरअसल इमरान खान को सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्यूयॉर्क जाने के लिए अपना प्लेन उधार दिया था, लेकिन यूएन में वो इमरान के भाषण से ऐसे नाराज हुए कि इमरान के पाकिस्तान लौटते वक्त उन्होंने बीच में ही अपना प्लेन वापस मंगा लिया था। हालांकि तब पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया था कि प्लेन में गड़बड़ी की वजह से इमरान को उसे छोड़ना पड़ा था। अब पता ये चला है कि प्रिंस सलमान की नाराजगी की वजह से प्लेन को वापस बुला दिया गया था इमरान को उनके हाल पर छोड़कर। जाहिर है ऐसी बेइज्जती चुल्लू भर पानी में डूब जाने वाली है अगर किसी ने गैरत बेच न खाई हो, लेकिन इमरान इमरान है। जब पाकिस्तान के पीएम हाथों में कटोरा लिए हुए दुनिया के चक्कर लगा रहे हो तो ऐसी हजार बेइज्जती मंजूर। पाकिस्तान की मैगजीन फ्राइडे टाइम्स ने यह खुलासा अपने एडिटोरियल में किया है। फ्राइडे टाइम्स ने लिखा है, इस यात्रा के कुछ अनचाहे नतीजे भी रहे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कूटनीति के कुछ पहलुओं से इतने अलग हो गए कि उन्होंने अपने निजी विमान को वापस बुलाकर और उसमें से पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को निकलवाकर बजाहिर इमरान को झड़क दिया। इस खुलासे के बाद कहने सुनने को ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। इमरान खान की दुर्दशा और लाचारी कैसी है इसे आसानी से समझा जा सकता है। जरा सोचिए कि एक देश के प्रधानमंत्री को उसकी पूरी गैंग के साथ विमान में चढ़ने न दिया गया हो और प्लेन को बीच रास्ते से ही वापस बुला लिया गया हो, उस देश की हैसियत अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में क्या है? ये घटना बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का हर एक झूठ अब दुनिया के सामने आ चुका है और इस फरेब ने उसके पीएम की औकात दुनिया में दो कौड़ी की बना दी है। टीम न्यूज़ नेशन।